दो व्यक्ति एक साथ ये काम भूल कर भी ना करें, धन की होती है हानि। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जो कि आपका अपना ही चैनल है। आज की जानकारी बेहद ख़ास है, इसको पूरा देखिएगा। और दो व्यक्ति, ऐसा क्या काम है जो गंदे की श्रेणी में आता है और वो करते हैं तो धन की हानि होती है, आज हम संपूर्ण विवरण आपको देने वाले हैं। अगर आज की जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य ही प्रेषित करें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप कम्युनिटी पोस्ट भी चेक किया कीजिए, हम उसमें पॉपुलर अपलोड और नए वीडियो डालते ही रहते हैं, जो 6900 की संख्या में आपके प्यार की बदौलत हो चुके हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप यूं ही तरक्की करते रहें व्यूवर सब्सक्राइबर, आपके घर में खुशियों का माहौल हमेशा बना रहे, आपके घर में कभी पैसे की कमी ना हो। तो आज हम आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो आपको चमत्कृत कर देगा। और दो व्यक्ति ऐसा काम क्या नहीं करें, ये भी आप इस वीडियो में आप जानेंगे। जिस घर में दो तलवारें क्रॉस करके क्रॉसिंग पोजीशन में लगी हुई होती है, वहाँ बेवजह के झंझट कलह क्लेश बहुत आयत से होते हैं। चाकू भी इस पोजीशन में यानी क्रॉस करते हुए आपको नहीं रखना चाहिए, ये भी आपका दुख का कारण बन सकता है, तनाव का कारण बन सकता है, क्योंकि तनाव की वजह से दुख होता है लोगों को। तो चाकू क्रॉस करके आपको कभी नहीं रखना चाहिए। यदि किसी के दोनों हाथों से कोई दर्पण टूट के गिर जाए तो मुसीबत की सूचना आपको मिलने वाली है, ऐसा आपको जानना चाहिए। चाबी का खो जाना बहुत अशुभ होता है, कोई भी चाबी आपकी खो गई है यदि पुनः मिल जाए तो अशुभत्व समाप्त हो जाता है, लेकिन चाबी अगर आपकी खो गई है और मिल नहीं रही है तो ये नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके जीवन में आ सकता है, ऐसा आपको मानना चाहिए। तो एंजल को बोलें और चाबी मिल जाए, ऐसा बोलें तो चाबी एंजल के प्रताप से आपको मिल जाएगी। घर की चाबियों पर जंग लगना बहुत शुभ होता है, आपके पास पैसा ही पैसा आएगा, ऐसा आपको मानना चाहिए। तो जंग लगी हुई चाबियां आपको नहीं फेंकनी चाहिए। आइए थंबनेल पर आते हैं। दो व्यक्तियों को एक ही साथ एक मिरर में नहीं देखना चाहिए, ये बर्बादी का कारण होता है और आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट मिल सकते हैं। तो दो लोगों को एक साथ ये काम नहीं करना चाहिए, यानी मिरर में अपना मुंह एक साथ नहीं देखना चाहिए, इससे आपको बरकत नहीं मिलती है, आपकी तरक्की बाधित हो जाती है और आपके पास पैसे का अभाव हो जाता है। तो ये काम मत करिए, अगर ये काम आप नहीं करते हैं तो धन का अभाव आपके जीवन में कभी नहीं होगा, आपकी सात पीढ़ियाँ राज करेंगी, ऐसा आपको मानना चाहिए, पैसा ही पैसा आपके जीवन में आएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री, आप हमसे परामर्श भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के जरिए संपर्क करना पड़ता है। हमें 25 साल का अच्छा खासा अनुभव है, हमारे इस अनुभव का लाभ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के जरिए संपर्क करिए। थैंक यू।